ईशा कंसारा, जिन्हें रिसेंटली आप जिंदगी घराना शो में देख पा रहे हैं, वो केवल हिंदी टेलीविजन ही नहीं बल्कि गुजराती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी ढॉलीवुड की भी पॉपुलर एक्ट्रेस में अपना नाम बना चुकी है। उनके रीसेंट शो में जिस तरह उनको अमृता के किरदार में एक पॉजिटिव पर्सन दिखाया गया है, ईशा असल जिंदगी में भी अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव आउटलुक ही रखती है। और उनका सपना था कि वो अपनी माँ के लिए टीवी पर जरूर दिखाई दे, और इसीलिए उन्होंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की। पर वो प्रतीक गांधी, जॉनी लीवर जैसे कई बिग एक्टर्स के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुकी है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं शुभि आपको बताऊंगी ईशा की बचपन से लेकर अब तक की उनकी पर्सनल लाइफ, करियर लाइफ, डेली रूटीन, रियल एज, रिलेशनशिप्स और उनके अब तक के निभाए गए कैरेक्टर्स के बारे में। साथ ही बताऊंगी ईशा इस इंडस्ट्री में क्यों आई, उनका कास्टिंग काउच से जुड़ा एक हॉरिबल एक्सपीरियंस और उनकी यंग एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए क्या एडवाइस है। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। पर उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ईशा कंसारा का जन्म 20 अगस्त 1992 को अहमदाबाद, गुजरात की एक गुजराती फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा भाई, भाभी और एक नेफ्यू भी है। ईशा की स्कूलिंग अहमदाबाद के हीरामणी स्कूल से हुई और उनका बचपन एकता कपूर के डेली सोप्स देखते हुए बीता। दरअसल उनकी माँ को डेली सोप्स देखना इस हद तक पसंद था कि वो ईशा को कहा करती थी कि दीवार की साइड मुंह करके पढ़ाई करो, पर कभी अपने फेवरेट शो का एक भी एपिसोड मिस नहीं करती थी। धीरे धीरे ईशा के मन में भी एक्टिंग का शौक चढ़ने लगा और उन्होंने क्लास 10th में अपने पापा के सामने एक्टर बनने का सपना रखा। पर उनके पापा रमेश कंसारा ने सोचा कि ये टीनेज का असर है, थोड़े दिनों में ये भूत भूत उतर जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ईशा जिद पर अड़ी रही। वो अपनी माँ से उस टाइम कहा करती थी कि उन्हें टीवी पर एक्ट करना है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। फिर उन्होंने थिएटर से अपना पहला स्टेप लिया, जिसमें वो आगे जाकर कामयाब भी रही, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। पर उस टाइम टीनेज में उनकी स्टबर्ननेस देखकर उनके पेरेंट्स थोड़ा सा परेशान जरूर हुए थे और उनके सामने ये शर्त रखी गई थी कि यदि हायर स्टडीज में वो डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर आई तो उन्हें अलाउ कर दिया जाएगा। एंड ईशा ने डिस्टिंक्शन मार्क्स अचीव कर लिए और 7 साल तक क्लासिकल डांस फॉर्म भरतनाट्यम की ट्रेनिंग दी और साथ ही 2009 में मिस गुजरात पेजेंट का सेकंड रनर अप टैग भी अपने नाम किया। ब्यूटी पेजेंट अपने नाम करने के बाद उन्हें काफी गुजराती एड्स के ऑफर मिलने लगे थे, पर क्योंकि गुजराती इंडस्ट्री इतनी वास्ट नहीं है और लिमिटेड स्कोप होने की वजह से वो 26 जून 2010 को मुंबई आ गई। यहाँ आकर उन्होंने मिठीबाई कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया। अपने करियर की शुरुआत से पहले उन्होंने डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट किया था और वो टॉप 100 फाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाने में भी कामयाब रही थी। तब काफी ऑडिशंस वो देने भी जाया करती थी और कुछ कॉल्स उन्हें आगे से आते भी रहते थे। ऐसे ही उन्हें एक बार कास्टिंग काउच का सामना भी करना पड़ा था। दरअसल उन्हें एक कॉल आया था जिन्होंने ये क्लेम किया था कि वो आउटसाइड इंडिया की कंपनी है और मुंबई में उसके ऑडिशन चल रहे हैं। ईशा से बोला गया कि मुंबई में ही एक प्राइवेट रूम में आकर उन्हें ऑडिशन देना पड़ेगा। जब ईशा ने उनसे कहा कि वो पब्लिक प्लेस या ऑफिस में ही ऑडिशन देना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यदि आपको ये रोल चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। ईशा आज तक उस एजेंसी का नाम तो नहीं बताती, पर कहती है कि कास्टिंग काउच होता जरूर है, पर उन्हें हाँ कहना या ना कहना हमारे ही हाथ में है। खैर, तो कुछ ऑडिशंस के बाद उन्हें ईयर 2011 में मुक्ति बंधन शो से टीवी डेब्यू करने का मौका मिला। जब उन्हें ये शो ऑफर हुआ था, तब ईशा बस 18 या 19 साल की थी और उन्हें उनके पहले ही शो में देवकी के रोल में पसंद भी किया गया। पर फिर भी ये शो लंबे टाइम तक टीवी पर चलने में नाकामयाब रहा, जिस पर ईशा का कहना था कि ऑडियंसेस इस तरह के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पर बेस्ड स्टोरीज की बजाय रूरल बैकग्राउंड ड्रामा रिलेटेड कंटेंट ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि टीवी देखने वाली ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल बैकग्राउंड से ही होती है और उनको उस शो के एंड हो जाने पर बहुत दुख हुआ था। पर फिर उनके नाम और काम को पहचान 2013 में स्टार प्लस के शो एक ननद की खुशियों की चाबी मेरी भाभी से मिला, जिसमें उन्होंने किट्टू नाम का किरदार निभाया था। उसके बाद वो सब टीवी के शो माय नेम इज लखन में एक्टर श्रेयस तलपड़े के अपोजिट भी नजर आई। क्योंकि ईशा ने इस फील्ड में आने से पहले एक्टिंग की टेक्निकलिटीज भी सीख रखी थी, इसलिए काफी स्टेज प्लेज एंड यूट्यूब वीडियोज में भी वो लगातार काम करती रही। इसमें से दीक्षा जोशी के साथ बैंटॉक यूट्यूब वेब सीरीज उनके पॉपुलर एक्ट्स में से रही है। पर जब उन्हें मेरी भाभी शो से पहचान मिली, तभी उन्हें गुजराती फिल्म से भी ऑफर्स आने लगे थे और 2017 में दुनियादारी मूवी से उन्होंने अपना गुजराती डेब्यू करने के बाद 2018 में मिजाज, वंदा विलास और मिडनाइट्स विद मीनका जैसी कई गुजराती फिल्म्स में वो बैक टू बैक नजर आती रही और साथ ही डेली सोप्स और टीवी कमर्शियल्स भी वो करती रही। पर ईयर 2020 उनके लिए रियल खुशियां लेकर आया और उन्हें इतना काम मिला जितना काम
करने का सपना लेकर वो मुंबई आई थी। ईयर 2017 में यंगमैन ब्लैंकेट से उन्हें अपना कमर्शियल डेब्यू करने के बाद काफी एड्स उन्हें मिलते रहे, पर 2020 में तो जैसे उनके लिए एड्स की बहार ही लग गई। और एक ही साल में ईयर 2020 में उन्हें IPL, Ensure, Everyouth जैसी कई बिग ब्रांड्स के 8 से 10 कमर्शियल्स में लगातार कास्ट किया गया। और 2010 में मुंबई आई ईशा को 10 साल बाद उस तरह की पहचान मिली जो एक एक्टर अपनी लाइफ में हमेशा ही एक्सपेक्ट करता है, चाहे शॉर्ट फिल्म्स हो, यूट्यूब वीडियोस, टीवी सोप्स या फिर फिल्म्स। ईशा को हर जगह काम मिलता गया और मैडम सर में मिश्री पांडे में गेस्ट अपीयरेंस देने के बाद फाइनली उन्हें स्टार प्लस के शो जिंदगी मेरे घर आना से लीड एक्टर बतौर एक और मेजर कमबैक मिला है। पर इतना कुछ हासिल करने का रीजन ईशा बताती है कि एक्टर बनना आसान भी होता है और मुश्किल भी। मुश्किल इसलिए क्योंकि इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाना इजी नहीं है, पर एक्टिंग का पैशन अंदर हो तो काम करने में मजा भी आता है। ईशा कहती है कि एक इंजीनियर भी 24 लाख का पैकेज पाकर एक एक्टर से ज्यादा अर्न कर लेता है, जबकि एक एक्टर की लाइफ कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहती और कुछ ही सालों का टाइम ही होता है उनके पास मनी अर्न करने का, और हर वक्त फिट एंड परफेक्ट दिखने का प्रेशर भी माइंड में बना रहता है। पर फिर भी ईशा कहती है कि उन्होंने ये करियर इसलिए चूज किया क्योंकि एक्टिंग उनकी केवल पसंद या चॉइस नहीं बल्कि उनका पैशन है। और इसलिए ईशा यंगस्टर्स को भी यही एडवाइस देना चाहती है कि इस इंडस्ट्री में तभी आना चाहिए यदि सच में कोई एक्टिंग को लेकर पैशनेट हो। अब बात कर लेते हैं ईशा की लाइफ से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स की। ईशा अपने दिन की शुरुआत मॉर्निंग में काफी जल्दी सुबह 4:15 बजे उठकर करती है और डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करके अपना मील प्रिपेयर करके खुद ही ड्राइव करके शूटिंग सेट्स तक जाती है और डेली मेडिटेशन एंड पूजा करके घर से जाना उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है। ईशा को 2018 में अहमदाबाद टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन ऑन टीवी का अवार्ड, साथ ही अपने एक्टिंग के लिए और भी कई सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं। ईशा को फर्स्ट टाइम क्रश 5th ग्रेड में हुआ था और उनकी निगाहें आज भी उस लड़की की तलाश कर रही है। बॉलीवुड एक्टर्स रणबीर कपूर एंड करीना कपूर उनके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर्स हैं, वहीं टॉम क्रूज और एंजेलिना जॉली फेवरेट हॉलीवुड एक्टर्स। ईशा कुकिंग को लेकर बहुत पैशनेट है और ऑलमोस्ट डेली वो कुकिंग करती है और उनकी माँ उन्हें रोज ऑर्गेनाइज रहने और कुकिंग करने के लिए डांटती भी रहती है। उनका फेवरेट डेली सोप रोडीज और एकता कपूर के सारे टीवी शोज रहे हैं। अपने रीसेंट शो में उन्हें प्रेग्नेंट वुमेन का रोल करने में थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े, पर धीरे धीरे उन्हें उसकी आदत हो गई। इस शो में उनके को स्टार हसन से उनकी मुलाकात सेट्स के फर्स्ट डे पर हुई थी और दोनों ने पहले दिन हेल्थ रूटीन, वर्कआउट्स, गुड फूड एंड मेकअप रूम्स के आइडिया शेयर किए थे और ईशा बहुत बड़ी फूडी है। लास्टली ईशा फ्यूचर में खुद को वेब शोज में देखना चाहती है। उन्हें लॉन्ग फॉर्मेट शोज एंड सीजंस में काम करना बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इससे वो कैरेक्टर से ज्यादा कनेक्शन बैठा पाती है। साथ ही ऑफ बीट कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स जो उन्हें एज एन एक्टर और निखारे, ऐसी मूवीज में भी ईशा का काम करने का सपना है। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी पॉजिटिव एंड ऑलवेज स्माइलिंग एक्ट्रेस ईशा कंसारा की लाइफ पर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay connected, be happy.